हे hey दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं ये DJI का Osmo 4 AC का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाला हूँ, जो कि मैंने कुछ दिन पहले Flipkart से ख़रीदा हुआ था। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि DJI Osmo 4 एंड Osmo 4 AC के अंदर एक स्मॉल सा डिफरेंस है, जो कि एक रिंग होल्डर, मैग्नेटिक रिंग होल्डर मिलता है हमें Osmo 4 में। बस ये, इसके अलावा DJI Osmo 4 एंड Osmo 4 AC के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो चलिए देखते हैं इस डिवाइस में हमको क्या कुछ मिलता है। ये कुछ फीचर है इस गिम्बल का, लाइक एक्टिव ट्रैकर, क्विक रोल, जेस्चर कंट्रोल, स्टोरी मोड और भी बहुत कुछ। आप ये इसका ऐप को स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हो। ये ऐप स्टोर एंड एंड्रॉयड स्टोर दोनों में ही अवेलेबल है। तो चलिए देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या कुछ मिलता है। बॉक्स को खोलते ही ये कुछ गाइड दिया हुआ है हमें कि कैसे क्या यूज़ करना है इसको, और ये एक QR कोड है जो कि यूज़ करके आप डाउनलोड भी कर सकते हो। इसके बाद ये एक बॉक्स है, देखते हैं इसके अंदर हमें क्या मिलता है। तो इसके अंदर एक DJI का लोगो दिया हुआ पाउच मिलता है, जो कि ये गिम्बल को कैरी करने के लिए यूज़ करेंगे आप लोग। ये काफ़ी नरम है, ये इसका क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद ये एक स्ट्रैप मिलता है हमको, जो कि ये गिम्बल के साथ अटैच हो गया। और उसके बाद ये कुछ पेपर वर्क्स मिलता है हम लोगों को, जो कि आपको यूज़ करने के काम आएगा कि कैसे ये गिम्बल यूज़ होता है। तो इसको, बॉक्स को हम साइड में रखते हुए देखते हैं कि ये मेन यूनिट में हमको क्या कुछ मिलता है। तो ये रहा हमारा मेन यूनिट। उसके अंदर ये एक ट्राईपॉड हमें मिलता है, जो कि गिम्बल के साथ अटैच होगा। ये कुछ इस तरह सा दिखता है खोलने के बाद। इसके बाद ये एक मैग्नेटिक कवर है, जो फोन के पीछे लगता हुआ है। और ये एक कवर एक्स्ट्रा दिया हुआ है, जो कि स्मॉल फोन में फिट करने के लिए लगा हुआ है। और ये रहा हमारा मेन गिम्बल, जो कि इस तरह सा दिखता है कुछ। ये बहुत भारी नहीं है, लाइट वेट ही है। और खोलने के बाद गिम्बल इस तरह सा दिखता है। ये रहा हमारा मेन कंटेंट। तो देखते हैं कि मोबाइल में ये कैसे फिट होता है। ये रहा वो मैग्नेटिक कवर, जो मोबाइल के पीछे लगा हुआ है। ये मैग्नेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इतनी आसानी से नहीं खुलता। जैसे कि आप देख ही सकते हो, ये मैग्नेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ये ऐसे ही नहीं खुलेगा, आपको जोर लगा के खोलना पड़ेगा। ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये आपको फोन गिरने से बिल्कुल बचाएगा। मैं इस ट्राइपॉड को इस गिम्बल में सेट करके देखता हूँ कैसे ये
लगता है, कैसे ये यूज़ होता है। ये कुछ इस तरह सा दिखता है ट्राइपॉड लगाने के बाद। आप इस ट्राइपॉड को लगा के वीडियो, टाइम लैप्स, हाइपर लैप्स सब कुछ ले सकते हो बड़े आसानी से। हम फ़ोन को इसमें अटैच करके देखते हैं कैसे ये काम करता है। ये कुछ इस तरह से फ़ोन को अटैच कर दिया है मैंने। ये ऐसे दिखता है फ़ोन को अटैच करने के बाद। चलिए पावर ऑन करते हैं। ये जो एम बटन है उसको प्रेस करने से पावर ऑन हो जाता है, कुछ इस तरह। बाय डिफ़ॉल्ट ये पोर्ट्रेट मोड में ऑन होता है। आप चाहे तो ये इसको लैंडस्केप मोड में भी कर सकते हो। ट्राइपॉड को मैं खोल के साइड में रख देता हूँ अभी के लिए। इसको कनेक्ट करने के लिए पहले आपको ब्लूटूथ ऑन करना पड़ेगा, फिर ये जो गिम्बल का ऐप है DJI का, ये ओपन कर लेते हैं। फिर कनेक्ट करने के बाद ये गिम्बल से कनेक्ट हो जाएगा। ये कुछ इस तरह सा दिखता है कनेक्ट होने के बाद। आप ये लैंडस्केप मोड में भी कर सकते हो पावर बटन को दो बार क्लिक करने के बाद। ये कुछ ऐसे लैंडस्केप होता है। उस एम बटन को फिर से डबल क्लिक करने के बाद ये पोर्ट्रेट मोड में फिर से आ जाएगा। अब मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ कि कैसे ये फोकस करता है। मान लो आप मैंने ये फोकस कर लिया इसको। अब जिस तरह से जिधर जिधर ये जाएगा उधर ये गिम्बल मूव करेगा, कुछ इस तरह से। ये बहुत ही शानदार चीज़ है फोकस करने के लिए। इसके बाद आपका फोकस कभी भी नहीं हटेगा, सिर्फ आपको ये सेट करना पड़ेगा कि कौन चीज़ में ये फोकस करेगा। फर्स्ट ये कुछ फीचर्स दिया हुआ है, स्टोरी, पैनोरामा, वो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा डिटेल में। आप ये एम बटन को एक बार क्लिक करने से ये स्टैंड बाई मोड पे चला जाएगा। कुछ इस तरह से ये स्टैंड बाई मोड पे चला गया। अब इसको क्लिक एंड होल्ड करने से ये पावर ऑफ हो जाएगा, कुछ इस तरह सा। तो गाइस, थैंक यू गाइस, ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताना कमेंट करके। अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।